देखिए मैं भी एक दिन का इस ढोके ले जा रही थी और ये मेरी फ्रेंड भी लेके जा रही है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गाइस के ब्लॉग्स चैनल में। आशा करती हूँ गाइस आप सभी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा गाइस मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मैंने कंघी नहीं किया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ बाहर, और मैं क्यों जा रही हूँ और आप लोगों को ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो अगर आप लोगों ने गाइस अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे गाइस, और कमेंट में बताना गाइस मैं कैसे लग रही हूँ। फिलहाल कंघी नहीं किए हैं, बस ड्रेस पहन लिए हैं। मैं आप लोगों को दिखा दी, ये देखिए गाइस, आप लोग कमेंट में बताना। और मेरा ओढ़नी जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा है, ज़मीन में सट जा रहा है गाइस, क्योंकि मैं ही छोटी हूँ। मेरा शायद ओढ़नी ठीक है, मेरे हिसाब से ओढ़नी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा ओढ़नी ये वाला बहुत लंबा है। मैं दूसरा ट्राई करके देखती हूँ, मैं ये वाला लेके जाऊंगी। ये वाला थोड़ा है ऐसे ठीक है, लेकिन ये वाला लंबा नहीं है और वो वाला पूरा ज़मीन में सट जा रहा है गाइस, तो ये वाला लेके जाऊंगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अभी निकलने वाली हूँ। गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए ड्रेस भी बड़ा होता है और नी भी लंबा आता है, मतलब मेरे लिए कुछ ऐसे साइज़ फिटिंग का ही नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ढीला ढाला ही पहन लेती हूँ और मैं देखिए रेडी हो गई हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी चल चल के जा रही हूँ और अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ, और आज का मौसम थोड़ा ऐसे कुहासा किया है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, शायद कल ऐसे, कल तो बसंत पंचमी, शायद कल बारिश वारिश होगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ, और गाइस मैं अभी एटीएम से पैसा निकालने वाली हूँ। तो एटीएम भी पहुंच गई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, तो चलिए अपने लिए कुछ पैसा निकालते हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे 500 रुपया जैसे निकालूंगी गाइस। तो है गाइस मैंने पैसा निकाला। तो गाइस मैं एटीएम से आ गई और अभी मैं बस स्टैंड आई हूँ। बस में मेरा कुछ सामान आया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गाइस। ये देखिए गाइस बस, और मेरा बस में मम्मी ने मेरे लिए सब्जी भिजवाया है गाइस, और कल तो सरस्वती पूजा है उसके लिए मम्मी ने साड़ी भी भिजवाया है। तो चलिए गाइस हम देखते हैं अंदर में मम्मी कैसे वाला साड़ी लेके मतलब तो भिजवाई है। ये देखिए गाइस मेरे लिए साड़ी इतना ज़्यादा, 3 ठो ना कितना है, और इधर सब्जी है, टमाटर वगैरह। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ बैठी हूँ, और गाइस मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं अपनी फ्रेंड मेरी सहेली दोनों ये वाला बस से आई, क्योंकि हम लोग के इधर से यही वाला बस आता है। तो वो दोनों पैसा निकालने गई, मैंने तो निकाल लिया गाइस, वो दोनों निकाल रही है। और मैं हम लोग का यहाँ पर सामान वगैरह साड़ी वगैरह है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, वो दोनों आ जाएगी फिर हम लोग साथ में रूम चल जाएंगे। ये देखिए उधर में हम रखे हैं मेरा बैग वगैरह, इधर मम्मी टमाटर और जो सूजना शक वगैरह वो सब हम लोगों को भेजी है गाइस। यहाँ पर हम लोग मतलब ऐसे सब्जी खरीद के लाते हैं, और हम लोग का घर में ऐसे कुछ कुछ सब्जी उगाते हैं, जैसे टमाटर हम लोग ने उगाए हैं, ज़्यादा नहीं हम लोग का खाने के लिए। तो मम्मी बोली पकड़ा है तुम क्यों बाहर से लोगी, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी भेज दो, तो भेज दिए गाइस। तो गाइस ये देखिए आ चुकी है, और अभी हम लोग जाएंगे, बहुत वेट कर लिए, अभी आ रही है गाइस। तो चलिए अभी रूम चलते हैं हम लोग, ऐसे काम है बाजार में, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो गाइस अब लोग देखिए मैं भी एक दिन का इस ढोके ले जा रही थी, और ये मेरी फ्रेंड भी लेके जा रही है। ऐसे क्या शर्माएंगे, ऐसे चावल है कुछ तो नहीं है, बहुत सारा सब्जी वगैरह है गाइस, चावल साड़ी वगैरह। और अभी अभी भी धूप नहीं है गाइस, आज का थोड़ा मौसम ख़राब है, और इसी के चलते शायद ठंड भी लग रही है।
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए हम लोगों का उतना सारा सामान वगैरह, और ये रहा मेरा झोला, ये मेरा झोला है, बैग नहीं है, मैं इसको झोला ही बोलती हूँ। तो देखते हैं गाइस क्या क्या है उसके अंदर। रुकिए मैं रखने के लिए सामान लाती हूँ। ये रहा गाइस, रुकिए क्या है, ये देखिए गाइस इतना सारा सब्जी, ये लौकी है, ये वाला खराब हो गया है, ये सब टमाटर है, ये देखिए गाइस सूजना, सूजना डाटा, आप लोग ने देखा घर से कितना सारा सब्जी आया है। ये देखिए ये सूजना सागी गाइस, ये देखिए गाइस साड़ी हम लोग दुकान खोल के रखे हैं, ये वाला कल के लिए, कल सरस्वती पूजा है तो उसके लिए मेरे पास तो साड़ी नहीं था, तो मैंने घर में बोला था कि मेरे लिए साड़ी भिजवा दे, तो गाइस दो तीन तो साड़ी भिजवाए हैं गाइस, मैंने बस दो ठो कहा था। और इधर भी देखिए उतना सारा सब्जी, इसको हम लोग रात में खिचड़ी बनाएंगे। आप लोगों को पता होगा ऐसे सूजना जो फूल का सब्जी भी बनता है और खिचड़ी भी, तो हम लोग आज खिचड़ी करके देखेंगे गाइस। ये देखिए गाइस चना साग, तो मैं इसको गाइस रख देती हूँ। और मैंने सुबह खाना बनाया है, खाना बना के मैं गई थी स्टेशन, बस स्टेशन, तो अभी हम लोग सब्जी बनाएंगे गाइस। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ और मेरी सहेली दोनों भी नहीं नहाई, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए गाइस। अभी हम लोग क्या सब्जी बनाएंगे, उतना सारा सब्जी है हम लोग के पास। तो ये देखिए गाइस इधर मैं रख दिया टमाटर, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और उधर तीन जन का खाना बन चुका है। और ये देखिए ये चना साग है गाइस, मैं अभी चना साग का सब्जी बनाने वाली हूँ, चना साग और टमाटर का सब्जी, तो मैं इसको काटूँगी गाइस और फिर दाल बनेगा, दाल और टमाटर, तो मैं जल्दी से काट लेती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए गाइस सब्जी मैं बना रही हूँ, चना साग और टमाटर, इधर है सीम है गाइस, सीम ही बोलते हैं, और इधर देखिए आलू सीम और टमाटर का सब्जी बनेगा गाइस। तो लगभग गाइस साग सब्जी बन के रेडी हो गई है और अभी मैं बनाऊँगी आलू का सब्जी, क्योंकि साग का सब्जी में हम लोग आज सूखा भत बनाए हैं, ऐसे माड़ भत रहता तो साग का सब्जी के साथ खाते गाइस, तो खाली अकेले साग का सब्जी नहीं बन रहा है, आलू का सब्जी भी बनेगा गाइस। आलू और टमाटर और सीम का सब्जी बन चुका है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, और मैंने बनाए हैं, अभी हम लोग खाना खाएंगे गाइस। तो चलिए मैं, तो गाइस हो गया हम लोगों का खाना, सब्जी वगैरह, तो अभी हम लोग खाएंगे साथ में। और इधर दोनों फ़ोन देख रही है, शायद रील्स देख रही होगी गाइस। और हम लोग आज नहाए नहीं हैं, आज ठंड लग रही है, मैं सुबह बस सिर भिंगाई थी गाइस, खाली सिर धोए थे। तो चलिए गाइस खा लेते हैं पहले। तो गाइस मैं अभी खाना खाने वाली हूँ, मेरे जो हेयर जो है कैसे जो दिख रहे पता नहीं, और मेरे आँख भी गाइस। तो ये रहा गाइस मेरा खाना सब्जी, तो मैं खा लेती हूँ, मेरी सहेली दोनों बाद में खाएगी, क्योंकि वो दोनों घर से आके गाइस मूढ़ी खाई थी, तो मैं पहले खा लेती हूँ गाइस। तो है गाइस मैंने खाना खा लिया, और ये देखिए अब लोग मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, आज ये वाला न्यू ड्रेस है तो मेरी सहेली दोनों खा रही है खाना। और गाइस अभी टाइम हो रही है 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे, तो गाइस हम लोग 2 बजे जैसे जाने वाले हैं कल के लिए शॉपिंग करने, मेरी सहेली दोनों ब्लाउज़ वगैरह लेगी और मैं भी देखूंगी गाइस, अगर मुझे भी पसंद आएगा तो मैं भी लूंगी, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज़ तो मेरे ऊपर फिट नहीं होगा, नहीं तो उसको ऐसे बड़ा है ना तो उसको छोटा करवाएंगे। तो अभी गाइस थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आप लोग गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए।
आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट तरफ। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और इधर मेरी सहेली दोनों भी रेडी हो गई है। और गाइस हम लोग अभी निकलने वाले हैं। चलिए गाइस हम लोग अभी निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग चल चल के जा रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं। और गाइस मैं देखिए उतना लंबा उड़नी कोई लाई हूँ अभी। और गाइस अभी शाम होने को है और आज तो एकदम धूप भी नहीं है। और मेरा जो है फ़ोन में गाइस चार्ज कम है, अगर बीच में अगर ऑफ हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। तो आप लोगों को ऐसे दिखाने का कोशिश करूंगी अगर तब तक मेरा ऑफ नहीं हो पाया, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा गाइस, क्योंकि दोनों फ़ोन में मेरा चार्ज कम है, आज करंट ही नहीं है हम लोग के उधर। तो है गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए हम लोग कहाँ आए हैं गाइस, हम लोग टेलर आए हैं तो साड़ी और ब्लाउज़ को छोटा कराना है, साड़ी को उस साइड में सिलाई करवाना है गाइस। तो गाइस हम लोग ने दे दिया है साड़ी और अभी हम लोग मार्केट जाएंगे गाइस शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग मार्केट पहुंचने वाले हैं और हम लोग देखिए कैसे कैसे रास्ता होके जा रहे हैं गाइस। गाइस ये देखिए हम लोग मार्केट तरफ पहुंच गए हैं और हम लोग पहले जाएंगे गाइस कपड़ा दुकान। गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है आ गए हैं और मैं मतलब चप्पल लेके ही घुस रही हूँ तो मैं चप्पल उतार देती हूँ बाहर में। ये देखिए गाइस और हम लोग आए हैं और हम लोग लेने वाले हैं ब्लाउज अपनी फ्रेंड के लिए, तो शायद ये वाला पसंद कर रही है ना। तो गाइस हम लोग जो है दुकान से निकल गए और हम लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ है, 38-40 ऐसे ऐसे वाला हम लोग में फिटिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटा कराएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरी जगह जा रहे हैं गाइस। गाइस हम लोग जैसे वाला खोज रहे हैं, हम लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा है, फिर इधर दुकान सब देखते हैं अगर मिल जाएगा तो, नहीं तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग ऐसे पूजा के लिए नारियल लेने के लिए आए हैं, ये देखिए दुकान में। तो गाइस हम लोग पूजा सामान ले लिए और अभी देखिए शाम होने वाली मतलब रात होने वाली है तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। तो गाइस मेरे जो है बहुत कम फ़ोन में चार्ज था तो इसी के चलते मैं वीडियो नहीं की और आज बहुत ज़्यादा भीड़ था मार्केट में ऐसे चलने फिरने में भी, तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग अभी घर पहुँच गए हैं और हम लोग गाइस ब्लाउज़ ढूंढ रहे थे मेरे लिए तो मुझे मिला नहीं, और मेरी सहेली के लिए मिल गया लेकिन ये देखिए साइज़ का छोटा हो गया। और इधर देखिए हम लोगों का तीनों जन का पूजा सामान है गाइस, कल पूजा है तो हम लोग पूजा करेंगे कल को। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना गाइस मैंने वीडियो कैसे बनाया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।